आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। यह आशा करती हूं कि मेरी फैमिली के सभी लोग यानी कि आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेल, आज मैं बात करने वाली हूँ स्किन लाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास डेली बेसिस पर और यही पूछते हैं कि पूजा, पहले स्किन बहुत ब्राइट हुआ करती थी, बहुत ब्यूटीफुल हुआ करती थी, रंग भी फेयर हुआ करता था, लेकिन अभी दिनों दिन स्किन डल पड़ती जा रही है, स्किन पर टैन होता जा रहा है, स्किन काली पड़ती जा रही है और साथ ही साथ ब्लेमिशेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि स्किन का कलर भी लाइटन हो जाए और साथ ही साथ ब्लेमिशेस से भी छुटकारा हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करें वो 3-स्टेप प्रोसेस जिसे आप फॉलो करेंगे तो विदिन 2 वीक्स आप देखेंगे कि आपकी रंगत में भी सुधार आ रहा है, निखार आ रहा है और आपकी स्किन लाइटन हो रही है, पूरे शरीर की स्किन लाइटन होगी इससे और साथ ही साथ आपके ब्लेमिशेस भी रिड्यूस होने लगे हैं। स्टेप नंबर 1 है मेरा ये स्किन वाइटनिंग बॉडी वॉश पाउडर, जिसे आप साबुन, फेस वॉश या बॉडी वॉश की जगह पर यूज करेंगे। यस, अपनी पूरी बॉडी को, फेस को आपने इसी से वॉश करना है और ये पाउडर बनाना बहुत सिंपल है। आई एम श्योर सारी चीज़ें आपके घर पर मिल जाएंगी। ये कुछ ही दिनों में आपकी स्किन को लाइटन करेगा, ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करेगा, स्किन की टैन को भी निकालेगा। फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। कैसे बनाना है ये बॉडी वॉश पाउडर? इसके लिए आपको लेना है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करती है। सेकंड इंग्रेडिएंट है 2 चम्मच चंदन पाउडर। चंदन पाउडर खोया हुआ ग्लो वापस लेकर के आता है, टैन को दूर करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, फेयर बनाता है स्किन को। नंबर 3 पर जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज पील पाउडर यानी संतरे के छिलके का पाउडर। ये भी टैन रिमूव करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें। नंबर 4 पर आता है बेसन। बेसन ग्लो का खजाना है, बहुत अच्छा ग्लो देता है। और नंबर 5 पर है हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज का खजाना है, स्किन पर झुर्रियां नहीं आने देता है। एंड नंबर 5 पर है राइस पाउडर, चावल का आटा, ये भी स्किन को फेयर बनाता है, ग्लो लेकर के आता है। इन सब चीज़ों को आपने 2-2 चम्मच की क्वांटिटी में लेना है और एक कंटेनर में भर करके रख देना है, अपने बाथरूम में ही रख देना है। जब आप नहाएंगे तो 2 चम्मच ये पाउडर लेंगे और इसमें या तो पानी मिला लें, पानी में घोल लें, या फिर आप रोज वाटर मिला लें और इसका लेप आप अपने चेहरे पर, अपनी पूरी बॉडी पर लगाएंगे। घबराइएगा नहीं, ये मैल भी उतारेगा और आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा। आपकी स्किन से कोई स्मेल नहीं आने वाली है। आप ये मत सोचिएगा कि सोप नहीं यूज़ कर रहे या बॉडी वॉश यूज़ नहीं कर रहे हैं तो स्किन मैली रह जाएगी या गंदी रह जाएगी, साफ नहीं होगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ करेगा, बिकॉज इन सभी चीज़ों में नेचुरल क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं और साथ ही साथ जो स्किन की डलनेस है उसको भी दूर करेगा, ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करेगा। तो बेहिचक होके इसको यूज़ कीजिए। ये बॉडी वॉश पाउडर बहुत बहुत कमाल का है, मैजिकल है ये। एंड साथ ही साथ इसका एक और फ़ायदा है, आप इसे फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कहीं पार्टी पर जाना है, फंक्शन पर जाना है या वैसे ही स्किन को आप एक क्लीन अप देना चाहते हो घर पर, तो आप क्या करोगे, 2 चम्मच ये पाउडर लोगे और इसमें दही मिला लो या फिर आप किसी भी फ्रूट का पल्प मिला लो, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो, पपाया हो, मैंगो हो, स्ट्रॉबेरी हो, किवी हो, कोई भी फ्रूट उसका पल्प मिला लेना, गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना और फेस पर लगाना। फेस बहुत अच्छे से शाइन करेगा, ब्राइटन अप हो जाएगा आपका फेस। तो 2-in-1 DIY है ये। आप चाहें तो इसे बॉडी वॉश एंड फेस वॉश पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं एंड आप चाहें तो इसे फेस पैक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बॉडी वॉश पाउडर के रूप में तो करना ही है, बट वीक में 1-2 बार आप एज अ फेस पैक भी यूज कर सकते हो, बहुत उम्दा नतीजे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं स्किन लाइटनिंग प्रोसेस के सेकेंड स्टेप की। दोस्तों, डल स्किन, स्किन टैनिंग और ब्लेमिशेस का एक और मेन रीजन है, वो है मेलानिन। मेलानिन एक तरह का पिगमेंट होता है जो कि हमारे स्किन, हमारे बालों में पाया जाता है। कई बार कुछ रीजंस की वजह से हमारे शरीर में मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होने लगता है, जिससे कि कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है या डार्क पैचेस होने लगते हैं, डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन होने लगती है। वेल, जब हम एक्सटर्नल केयर करते हैं अपनी स्किन की, उससे ग्लो तो आता है, स्किन ब्राइटन अप तो होती है, टैन भी कुछ हद तक रिमूव होता है, लेकिन डलनेस और पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करना
बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेल, इसे कंट्रोल करने के लिए हमारा लिवर एक मैजिकल इंग्रेडिएंट बनाता है जिसे कहा जाता है ग्लूटाथायोन। जी हाँ, ग्लूटाथायोन हमारे लिवर में ही बनने वाला एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कि फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाले डैमेज को रिड्यूस करता है और हमारी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है, जिससे कि डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन नहीं होता है, अगर है तो वो रिड्यूस होने लगता है, स्किन की डलनेस दूर होती है, स्किन ब्राइटन अप होने लगती है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन फेयर होने लगता है। बट रिसर्चर्स में ये भी पाया गया है कि जैसे ही हम 20 की एज क्रॉस करते हैं, हमारी बॉडी हर साल 1% कम ग्लूटाथायोन का निर्माण करने लगती है, जिससे होता क्या है, जैसे हम 20 की एज क्रॉस करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल 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 और डल होने लगता है, एज के साथ बहुत डल हो जाता है। तो जरूरी है कि हम ग्लूटाथायोन रिच डाइट लें, और ये ग्लूटाथायोन मिल जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि दूध, घी, पनीर, मक्खन आदि में, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी में, ब्रोकली में ग्लूटाथायोन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इन चीजों का डाइट में आप कंजम्पशन बढ़ाएं, या फिर आप ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट ले सकते हैं। वेल, अगर आप कोई अच्छा ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्योर न्यूट्रिशन का ग्लूटाथायोन जरूर जरूर यूज करें। मैं इसे यूज कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ और सबको फायदा हुआ है, इंक्लूडिंग मी। Why Pure Nutrition? इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो ये प्लांट बेस्ड है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और दूसरा इसमें है एल ग्लूटाथायोन, जो कि एक रिच एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, लाइटन करता है। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड भी है, जो कि रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है और एजिंग के सभी निशानों को डिले करता है। इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। इसमें है विटामिन ई, जो कि स्किन को अंदर तक पोषण देता है, स्किन की लचक को लंबे समय तक बरकरार रखता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, इसमें केसर भी है, और सैफ्रन यानी कि केसर दाग धब्बे हटाने में, पिगमेंटेशन को दूर करने में और स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसके यूज करने के 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं, आपकी स्किन लाइटन होने लगती है, डलनेस स्किन की दूर होने लगती है और स्किन के दाग धब्बे भी रिड्यूस होने लगते हैं। शुरुआत में जब मैंने ग्लूटाथायोन लेना शुरू किया था तो हमें ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन सी टेबलेट अलग से लेनी पड़ती थी, और सिर्फ उसमें ग्लूटाथायोन ही था, जबकि प्योर न्यूट्रिशन ग्लूटाथायोन में आपको ग्लूटाथायोन के साथ साथ विटामिन सी, सैफ्रन, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है वो दुगना तिगना आता है आपकी स्किन के ऊपर। वेल, इसे कंज्यूम कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें इसे डिनर के बाद कंज्यूम करना है। डिनर के आधे घंटे के बाद आप 120 ml पानी लीजिए, यानी कि लगभग आधा ग्लास पानी लीजिए, और उसमें आप ये एक टेबलेट डाल दीजिए, और जब ये डिजोल्व हो जाए तो इसे पी जाइए, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल सॉल्यूशन है ये डल स्किन को ब्राइटन अप करने का, ग्लो को वापस लाने का, और साथ ही साथ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को दूर करने का। दिस इज एन एफोविसेंट टेबलेट, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है बड़ी जल्दी से, कोई एडेड शुगर नहीं है इसमें, और ये ऑरेंज फ्लेवर में आती है। वेल, प्योर न्यूट्रिशन ग्लूटाथायोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जरूर दे दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे अपने लिए खरीद सकते हैं और अपनी स्किन को ब्राइटन अप कर सकते हैं, लाइटन कर सकते हैं अपना कॉम्प्लेक्शन, और साथ ही साथ ब्लेमिशेस को भी दूर कर सकते हैं। वेल, अब बढ़ते हैं मेरे स्किन लाइटनिंग प्रोसेस के थर्ड स्टेप की तरफ, और वो है हस्त मुद्रा। जी हाँ, ये हस्त मुद्रा ना हमारे शरीर में पांचों तत्वों को बैलेंस करती है, जिससे कि हमारे को हेल्थ एंड ब्यूटी बेनिफिट्स मिलते हैं। वेल, ब्यूटी बेनिफिट्स के लिए स्पेशली 3 मुद्राएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा क्या करती है, आपकी स्किन सेल रिजुविनेशन प्रोसेस को स्पीड अप करती है, जिससे कि आपकी स्किन हमेशा ग्लो से भरी रहती है, चमक से भरी रहती है। वेल, मैं आपको बता देती हूँ पृथ्वी मुद्रा कैसे परफॉर्म करनी है। आपको अपनी रिंग फिंगर की टिप को अपने थंब की टिप के साथ टच करना है, हल्का सा प्रेशर देना है, बाकी की जो फिंगर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगी, और ये मुद्रा बना करके आप
अपने लैप पर रखेंगे। तकरीबन 5 to 7 minutes के लिए ये मुद्रा डेली बनाएं और मैक्सिमम 10 to 15 minutes के लिए ये मुद्रा बना करके रखेंगे, तो आपकी स्किन पर एजिंग के निशान जल्दी नहीं आएंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन क्लियर होती जाएगी अंदर से भी और बाहर से भी, ग्लो भर भर के आएगा। तो ये मुद्रा ज़रूर ज़रूर परफॉर्म करें। सेकंड मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा आपके शरीर में जल तत्व को बैलेंस करती है। देखो, हमारी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी या जल के तत्व की कमी हो जाती है, तो स्किन सबसे पहले मुरझा जाती है, डल पड़ जाती है। तो वरुण मुद्रा बनाएंगे तो जल तत्व का बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी। वरुण मुद्रा कैसे बनानी है, चलिए देख ली। वरुण मुद्रा बनाने के लिए हम अपनी लिटिल फिंगर को अपने थंब के बेस पर रखेंगे और ऊपर से थंब रख देंगे इस तरीके से। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनानी है और बाकी की 3 fingers जो है वो स्ट्रेट रहेंगी। लिटिल फिंगर को थंब के बेस पर रखना और ऊपर से थंब रख देना है इस तरीके से। ये मुद्रा बनाकर भी आप लैप पर रखेंगे, 10 minutes के लिए ये मुद्रा बनाएंगे, जल तत्व का बैलेंस आपकी बॉडी में रहेगा और उसके ढेरों फायदे आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग दीज ब्यूटी बेनिफिट्स। थर्ड मुद्रा इज ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा आपकी स्किन को क्लियर बनाती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को एनर्जी से भरती है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन होगा पूरे शरीर में इंक्लूडिंग योर फेस, तो ऑब्वियसली ग्लो आएगा। हम अपने थंब को लिटिल फिंगर के बेस पर लेकर जाएंगे, पूरी फिंगर्स ऊपर से ओवरलैप कर देंगे इस तरीके से, और ये जो दोनों हाथों के नकल्स हैं ये एक दूसरे को सामने ऐसे फेस करने चाहिए। इस तरह से ये मुद्रा बनती है, ब्रह्म मुद्रा कहते हैं इसको। और इस मुद्रा को बना करके आपको अपनी नेवल पर रखना है दोनों हाथों को, दोनों हाथों की फिंगर्स के नकल्स एक दूसरे को फेस करने चाहिए इस तरीके से। एंड ये मुद्रा आप 5 minutes के लिए सिर्फ बना करके देखिए, मेरे कहने पर बना करके देखिए, एंड आप पाएंगे कि 5 minutes में ही आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है एंड आप में एक नई एनर्जी आ रही है। तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें ये तीनों मुद्राएं डेली बेसिस पर बनाएं, साथ ही साथ पहले वाले जो 2 steps मैंने बताए हैं उनको भी फॉलो करना है, एंड आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन रेडियंट भी हो रही है, ब्राइट भी हो रही है, ग्लो भी भर भर के आ रहा है, दाग धब्बे भी कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी स्किन पर फाइन लाइन्स, रिंकल्स जो आने थे वो नहीं आ रहे हैं, आपकी उम्र मानो थम सी जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये तीनों स्टेप्स, एंड कैसे रिजल्ट्स मिले ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।